नमस्कार दोस्तों, मैं सोम स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक हमेशा पर। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए काफी दिनों बाद एक नया अनबॉक्सिंग रिव्यू जो कि है दोस्तों के ब्लूटूथ का। तो दोस्तों एप्पल डिजाइन ब्लूटूथ का मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास आ गया टेम्पलेट पेटीएम मॉल से। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पेटीएम मॉल से आ गया हमारे पास ब्लूटूथ का डब्बा, और दोस्तों अब हम इसको करने वाला हैं अनबॉक्सिंग और देने वाला है आप सभी को इसका रिव्यू। तो दोस्तों मैंने काफी दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे जो कि दोस्तों सैमसंग का हेडफोन था। तो दोस्तों काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला था आप सभी से, और दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप काफी सारा लाइक्स देने वाले हो। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसका कुछ डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ऑर्डर डिटेल होता है दोस्तों साइड में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ऑर्डर डिटेल, और दोस्तों यहाँ पे इसका जो है पूरा शिफ्ट पेज है, तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये है मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पे मैनेज किया गया है, और दोस्तों ये आया है इकम एक्सप्रेस की तरफ से, फिर जो कि है ऑर्डर पेटीएम मॉल का। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे थैंक यू कार्ड जो है पाउच लगा हुआ है, और चलिए दोस्तों इसको हम फटाफट अनबॉक्स करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। सबसे पहले दोस्तों ये पैकेज जो है इसको हमें हटाना पड़ेगा, सील को हमें तोड़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ से हम इसको फाड़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स कर लें। आप देख सकते हो इसका जो फर्स्ट लुक मिलता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे लिखा है i7s TWS। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसका सारा परफॉर्मेंस दिया गया है, और इस पर जो है कुछ मैनुअल लिखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हो इसके बारे में। तो इसका हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, चलिए हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसको अनबॉक्स करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो फर्स्ट लुक मिलता है दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों हमें एक डाटा यूएसबी केबल भी मिलता है इसको चार्ज करने के लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये हमें मिल गया है, और ये है इसका चार्जिंग के लिए दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये जो है इसको चार्ज करने के लिए दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पे है चार्जिंग पोर्ट दिया गया है यहाँ पे। और चलिए दोस्तों हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इसको अनबॉक्स किया जाता है, तो यहाँ से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो है दो एयरबड्स दिए गए हैं यहाँ पे, और इसको हमें आसानी से निकाल लेना दोस्तों, जो कि काफ़ी छोटा एंड काफ़ी प्रीमियम देख सकते हो कि ये है। और इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, काफ़ी लाइटिंग है और वाइट कलर में आपको मिल जाता है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों वाइट कलर में हमें देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल जाता है वाइट कलर में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और इसका जो लुक बताएं दोस्तों चार्जिंग का, तो काफ़ी अच्छा दिया गया है, और इसका जो मॉडल है दोस्तों काफ़ी छोटा सा और काफ़ी अच्छा प्रीमियम दिया गया है। और दोस्तों इसका बात करेंगे हम प्राइस की, तो ये हमें पड़ गया है दोस्तों 257 रुपये का, मतलब कि दोस्तों काफ़ी चीप एंड काफ़ी बेस्ट दोस्तों ये ब्लूटूथ है। यहाँ से इसका पावर बटन दिया गया है दोनों का, और यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं। दोस्तों हम चेक करके आपको बताएं। तो फ्रेंड्स सब कुछ देखने के बाद अब हम इसका रिव्यू कर लिए हैं, और आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो ब्लूटूथ है इसको मैंने अभी लगा रखा है चार्ज में, और दोस्तों जो इसका फुल चार्ज होने में जो टाइम लगा वो लगभग एक घंटे लग गए गाइस इसको फुल चार्ज होने में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसी के डाटा केबल से हम इसको चार्ज कर रहे हैं, ताकि पता चल जाए दोस्तों कि रियल टाइम इसका कितना है और कितना देर में ये चार्ज हो जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये बिल्कुल चार्ज हो गया। आप देख सकते हो कि इसका जो रेड इंडिकेटर है वो भी दोनों हेडफोन यानी कि ये हेडसेट ब्लूटूथ में जल गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि काफ़ी अच्छा एक लुक दिया गया है इसका चार्जिंग का, यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाएगा, और दोस्तों जब ये फुल चार्ज लगा तो सिंपल रेड या फिर ब्लू लाइट में जलने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे जब तक चार्ज है आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट करेगा। तो उसके बाद दोस्तों मैंने इसको जब यूज़ किया, तो गाइस यूज़ करते समय मैंने इसको फुल टाइम यूज़ किया हूँ लगभग 4 घंटे। तो इस हेडफोन का जो है दोस्तों वैलिडिटी आपको 4 घंटे तक की मिल जाती है, यानी कि आप इसको बड़े मज़े से फुल साउंड या फिर कॉलिंग अगर आप करते हो तो लगभग 10 घंटे तक ये चलती है। क्योंकि दोस्तों मैं इसको खुद ट्राई किया हूँ, और गाइस ट्राई करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आप ले सकते हो, इतना सस्ता में इतना चीप चीज़ आपको मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए दोस्तों। और आपको दोस्तों एक हफ्ते का रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है इसके साथ, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मैंने 4 घंटा लगातार इसको बजाया, और मुझे काफ़ी इसका जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों सबसे बेटर लगा, मतलब कि आपको एहसास नहीं होता दोस्तों कि आप इतना सस्ता जो है एयरबड को यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसका यूज़ कर सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम ये ब्लूटूथ है। इसको मैंने दोस्तों परचेज किया है पेटीएम मॉल से, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों ये कोई कंपनी की तरफ से हमें फ्री में नहीं मिला है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको अपने पॉकेट से इसको परचेज किया है, पेमेंट किया है अपने परचेज से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दो इस वीडियो को, और दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और दोस्तों हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए तरह के वीडियो लेकर और एक नया वीडियो लेकर।